बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सफ़ीर हसन, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम द लेजेंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज मुल्तान। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर ऑफ कैलकुलस एंड आई एम टीचिंग दिस कोर्स टू BS केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर वन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर वन एंड वी शैल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस intro to limits of the functions. I shall discuss the concept of the limit and we shall solve some questions of exercise number 1.3. so dear students, dekhen ye lecture jo iske liye hum jo basically follow kar rahe hain wo second year ki maths ki book hai, usme se hum follow kar rahe hain. to main sabse pehle na limit of the functions se start kar raha hu. theek hai, ab limit of the function students kya hoti hai, yahan par dekhen kya keh rahe hain कि मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो. देखें, जब आप बात करते हैं ना कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि x टेंड्स टू ज़ीरो. इस ये जो है ये सिंबल अप्रोच करने का या टेंड्स करने का, टेंड भी कहते हैं इसको, टेंड्स टू या अप्रोच टू, इसका मतलब जो x है हमारे पास वो टेंड कर रहा है या अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स ज़ीरो, लेकिन वो एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हैं कि x एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है, वो जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, जीरो के करीब तरीन है. तो पहले ये अप्रोच करने का या टेंड करने का कॉन्सेप्ट देख लिया आपने. ठीक है, अब हम देखते हैं जी आगे क्या हो कहना चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको मैं इसको नाम दूं, आपके पास सीरीज है 1/2 raised to power n, इसमें एन की वैल्यू 1, 2 पुट करते जाएं आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी, जिसको हम कहते हैं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, up to so on. अब आप जरा गौर करें तो ये एक्स अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर किसको, एक्स अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर 1/16 up to so on जाएगा, ये 0.00 समथिंग आएगा. तो ये जीरो के जीरो नहीं आएगी एग्जैक्टली, लेकिन जीरो के करीब तरीन वैल्यू चली जाएगी यहाँ पर. तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर एन हमारा अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वैसे वैसे एक्स अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स जीरो. पहली बात देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं, देखें यहाँ पर उसी की बात बता रहे हैं कि एक्स इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज एन इंक्रीज. ठीक है, द अनएंडिंग डिक्रीज ऑफ एक्स इज सिम्बोलिकली रिटन एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड इज रीड एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो और एक्स टेंड्स टू जीरो. पहली बात, दैट सिंबल एक्स अप्रोचेस टू जीरो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो. लिहाजा यानी कि वो कह रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक्स जीरो के इक्वल है और एक्स अप्रोच कर रहे जीरो को, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. एक्स जीरो का अप्रोच कर रहा मीन्स दैट एक्स इज वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट एक्चुअली जीरो, कि एक्स जीरो के क्लोज तो है लेकिन वो एक्चुअली जीरो के इक्वल नहीं है. और x इज इक्वल टू जीरो का मतलब कि x एक्चुअली जीरो है. अच्छा, x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब देखें, अगर आपके पास नंबर लाइन में जीरो है, x हमारा अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो अगर लेफ्ट साइड से वो अप्रोच करेगा तो कहाँ से करेगा वो, देखें ना जीरो के बाद हम कहते हैं जी वो -2 से चलेगा -1 up to so on, फिर वो जाएगा इस तरह चलते चलते वो जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो के करीब तरीन जाएगा. और जब राइट साइड से अप्रोच करेगा लेफ्ट से, मैं कहता हूँ 1 से जाएगा एक्स हमारा जीरो की तरफ. ठीक है, तो वो जीरो के करीब वैल्यूज जाएंगी लेकिन जीरो यानी कि जीरो के क्लोज जरूर हो जाएगा मगर एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा. तो ये है जी इसका लिमिट का. आगे मजीद देखते हैं इसको, लिमिट ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन देखें. कह रहा है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए नीड नॉट एट ए एज एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल, देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए. सिंबोलिकली इट इज रिटन एज के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू एज एल. यानी कि इसमें यह कहना चाह रहा है क्योंकि एफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है, एफ फंक्शन है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा वो कह रहे हैं जैसे जैसे एक्स अप्रोच करेगा ए को वैसे वैसे जो फंक्शन है वो हमारा अप्रोच करेगा किसी खास नंबर एल को. ठीक है, अब देखें लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, लिमिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उसके लिए आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. देखें हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो, लेट से मेरे पास कोई फंक्शन है जी x² -4 -4 / x + 2 या x - 2 कर दें इसको. ठीक है, अब वो कहेगा जी इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करो एट एफ ऑफ एट x इज इक्वल टू 2. ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पर इसको क्या करो, फंक्शन को की वैल्यू फाइंड करो. अब आप x की जगह अगर 2 पुट करते हैं तो जरा गौर करें नीचे 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अच्छा चलें, अब आ जाती है लिमिट की बात, जरा गौर कीजिएगा इस बात पर. अगर हमें कहा जाएगा लिमिट
इसी फंक्शन पर लिमिट दी जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, और फंक्शन क्या है, यही फंक्शन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, ठीक है। अब आपको कहा जाए जी इसको सोल्व करना, अब भी अगर आप देखें ना इसको टू पुट करें डायरेक्टली तो टू का स्क्वेयर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, और नीचे टू माइनस टू जीरो, तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन रही है। लिहाजा हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स की इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बनेगी, तो फैक्टराइज करेंगे ये बनेगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू वैसे के वैसे। अब यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स माइनस टू से कैंसिल करेंगे, इक्वल आ जाएगा आंसर आपका एक्स प्लस टू के ऊपर, एक्स प्लस टू के, और लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पे एक्स अप्रोचेस टू टू। जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, टू, टू प्लस टू क्या आ जाएगा, फोर आपका आंसर आ जाएगा, इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब यानी कि वो हम यहाँ पर ये साबित होगा जैसे जैसे एक्स टू का अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे जो फंक्शन है हमारे पास ये फोर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इसकी लिमिट फोर है। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर फिर यहाँ भी तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, चले इसको भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको लिखे एक्स, वही चीज एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है बेटा, यहाँ पर जो है कि एक्स एग्जैक्टली हमारे पास टू है, जब आप टू को एक्स की अगर टू पुट करेंगे तो ये तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, ये भी टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है ना, तो फिर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली टू है ना, तो दर हकीकत ये टू है, तो यहाँ पर दिया हुआ कि फंक्शन में एक्स की वैल्यू टू है, इस पे कैलकुलेट करो, तो एक्स का टू पुट करो टू माइनस टू जीरो, नीचे भी टू माइनस टू जीरो, जीरो बाय जीरो, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो बाय जीरो को आप कैंसिल करके वन तो नहीं लिख सकते, वो तो मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू को जीरो कर देगा, उसकी लिमिट हम कैसे अप्लाई, उसकी फंक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे। अच्छा लिमिट में अब हम इसको कैंसिल करके एक्स माइनस टू को, इसको हमने कैसे वन कर दिया और हमारे पास आंसर एक्स प्लस टू आया, कि ये दोनों ने एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, कैसे कर दिया, देखिए लिमिट में वो उसने यहां पर उसने कहा था एक्स इक्वल है टू के, वहां उसने कहा था एक्स अप्रोच कर रहे टू पे, ठीक है ना, यानी कि x अप्रोचेस टू का मतलब x टू के क्लोजर जा रहा है, मगर एग्जैक्टली तो टू नहीं है, तो अगर मैं लंबर लाइन पर ड्रॉ करूं ये मेरे पास टू है, तो x अगर अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो वो जाएगा 1.9, लेट्स से वो टू के क्लोजर आ गया, और फ्रॉम द राइट साइड कर रहा है तो वो मैं उसे कह सकता हूँ वो टू पॉइंट, चले मैं इसको 2.0001 कह देता हूँ, चले अपना चले 2.01 कह देते हैं, ठीक है, तो यहां से राइट साइड से अप्रोच करेगा तो ये है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ये, तो लेट्स सपोज अभी मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ लेफ्ट साइड वाली, मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यू 1.9 है, यानी कि टू के क्लोजर है ना, 1.999 समथिंग है, तो यहाँ पर लिमिट की बात है तो मतलब टू तो नहीं होगा ना, ये तो बात वाजे हो गई, टू के करीब तरीन वैल्यू होगी जो कि 1.9 होगी। अब अगर आप 1.9 पुट करें ऊपर 1.9 माइनस टू, नीचे भी 1.9 माइनस टू, जीरो माइनस जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, नीचे भी माइनस 0.1 या इस तरह समथिंग आएगा, तो दोनों कैंसिल करके आप जवाब 1 आएगा आपका, 1 को जब एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब एक्स प्लस टू आएगा, उसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर तो एक्जैक्टली टू वैल्यू थी, इसलिए उनको हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, वो तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बना रहा था, तो ये था लिमिट, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था लिमिट का कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों के माइंड में हो, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो लिमिट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, लिहाजा आज हम ये प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, थ्योरम्स को पढ़ेंगे कुछ, देखें लिमिट्स की ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं, इनको थ्योरम्स कह रहे हैं या प्रॉपर्टीज कह रहे हैं आप, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दो फंक्शन हैं जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एल है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स एम के इक्वल है, ठीक है, दो फंक्शन हैं। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करें दो फंक्शन के सम पे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, दो फंक्शन का सम हो और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई की हो, तो लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी प्लस लिमिट सेकंड फंक्शन पे भी अप्लाई हो जाएगी, अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये नीचे एग्जांपल भी उसने दे रखी है। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन में भी यही होगा, दरमियान में बस माइनस आ जाएगा, और के यानी रियल नंबर, अब देखें किसी फंक्शन के साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल टू एक्स है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे टू को बाहर निकाल देंगे, के यहाँ पर जैसे है कॉन्स्टेंट को बाहर, लिमिट सिर्फ आप अप्लाई करेंगे फंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहे हैं, वो कि द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। अब कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके प्रोडक्ट की जो लिमिट होगी वो किसके लिमिट होगी, वो उनकी लिमिट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगी, यानी कि हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स अलग कर देंगे इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स अलग कर देंगे, ये जैसे यहां पर इसने किया हुआ है, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब आ जाए क्वेश्चन रूल इसका,
कोशेंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल, अब यहां पर क्या कहेगा, अब देखें द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। कोशेंट में पहली बात है कि डिनोमिनेटर की लिमिट नॉन जीरो होनी चाहिए जी ऑफ एक्स की। अब देखें यहां पर क्या करेंगे आप, इसमें लिमिट न्यूमिनेटर पर अलग अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अलग अप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहां पर कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर एन वेयर एन इज इंटीजर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर एन हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसकी पावर एन हो, फॉर एग्जांपल यहां पर लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स की पावर एन हो, फर्ज किया, या एक्स की पावर मैं कह देता हूँ जी टू हो, या मेरे पास फंक्शन है, तो बेटा इस केस में क्या होगा, लिमिट आ जाएगी अंदर, इस फंक्शन पे अप्लाई होगी लिमिट, ये सिंपल फंक्शन लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स और होल का स्केयर आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो टू का स्केयर आ जाएगा, फोर आंसर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जनरल फॉर्म में ये बता रहा है कि किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो लिमिट क्या होगी, इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, ऊपर होल की पावर एन वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर टू एक्स माइनस थ्री का क्यूब, तो क्या करेंगे लिमिट अंदर आ जाएगी और पावर ऊपर वैसे की वैसे। अब लिमिट अप्लाई करें एक्स की जगह फोर पुट करें तो टू इंटू फोर एट, एट माइनस थ्री क्या आएगा फाइव, फाइव का क्यूब, फिर एंड में पावर अप्लाई कर देंगे हमारे पास 125 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास, देखें कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स हैं, इनके कुछ के प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिलहाल आज फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको बस इनका एक अच्छा इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉब्लम्स इनके सॉल्व करवाऊंगा लिमिट्स के। अब यहाँ पर देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो, ये याद रखना है, और ऊपर एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हो, तो ये किसकी इक्वल आ जाती है, एन ए की पावर एन माइनस वन, जबकि एन कोई इंटीजर है और ए हमारे पास कोई ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर है। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस ए स्केयर रूट माइनस स्केयर रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स, ये वन बाई टू स्केयर रूट ए की इक्वल होगी। लिमिट एन अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, ये e के इक्वल होगी। और लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 प्लस x की पावर 1 बाय x, ये e के इक्वल होगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाय x, ये log नेचुरल ऑफ a के इक्वल होगी। और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाय x, ये log नेचुरल ऑफ e के इक्वल होगी, और log नेचुरल ऑफ e हमेशा 1 के इक्वल होता है। अच्छा लिमिट इफ अगर थीटा रेडियन में मेजर हो, वो कह रहा है इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, तो फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा 1 के इक्वल होगी। आगे हम इसकी ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे, कि इसके प्रूफ भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं वो भी करवाऊंगा आपको, और बताऊंगा ये कैसे आए, उनकी एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली क्या हैं, आगे कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये काम आते हैं। तो फिलहाल जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो ये है जी क्वेश्चन नंबर वन। अब इसमें देखें, इसमें हमने ना बेसिकली जो बुक में दिए हुए उसमें ये कहा हुआ है एक्सरसाइज नंबर, ये है जी एक्सरसाइज नंबर 1.3 सेकेंड ईयर मैथ्स की बुक से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री टू एक्स प्लस फोर, इस पर जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री टू एक्स प्लस फोर करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली वही लिमिट का सम रूल जो था अभी, कि आपका क्या दो फंक्शंस का सम दिया होगा ना, तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री टू एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फोर। अब ये देखें यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट आ गया साथ, टू को बाहर निकाल दें, कॉन्स्टेंट जब वेरिएबल के साथ आ जाए तो बाहर निकाल दें उसको, टू को बाहर, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री फोर पे अप्लाई होगी। अब याद रखें जब भी अकेले किसी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती है ना, चाहे वो फोर हो टू हो थ्री हो, उस पे वो वापस वही कांस्टेंट आ जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब ये देखें टू इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री है, तो एक्स की जगह आप क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह थ्री पुट करेंगे तो टू इंटू थ्री सिक्स होगा प्लस फोर, ये क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, टेन आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सोल्व करना है। अब यहाँ पर पावर की बात आ जाती है, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर वन बाय टू है, तो लिमिट अंदर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ऊपर पावर के ऊपर स्केयर रूट वैसे के वैसे रहने देंगे, एंड में जाके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह इनको क्या करना है, आपने करना है। आगे आ जाएं जी, ये तो सिंपल फंक्शंस हैं। अब इधर देखें इस तरह के क्वेश्चंस में ये है जी यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स इसकी लिमिट फाइंड करें। अलजेब्राइक टेक्निक्स यानी कि अलजेब्राइक फार्मूलाज भी आप यूज करेंगे, अलजेब्राइक ये फैक्टराइजेशन वगैरह ये चीजें हम इसमें यूज करेंगे, अलजेब्राइक टेक्निक्स को यूज करते हुए वो कह रहे हैं लिमिट इसकी फाइंड करो क्वेश्चन नंबर टू में।
ठीक है। अब लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस वन एक्स का क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, अगर तो मैं देखें इस पे क्वेश्चन रूल के मुताबिक करता हूँ सुने, तो न्यूमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई होगी यही, और डिनोमिनेटर पे भी यही लिमिट अप्लाई होगी एक्स अप्रोच टू माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस वन का क्यूब माइनस एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देना और माइनस वन आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स की जगह माइनस वन और प्लस वन वैसे का वैसे। अब ये माइनस वन का क्यूब जरा देखें ये क्या आएगा आपके पास, माइनस वन ही आएगा और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए, क्या करेंगे ये जीरो आंसर दे देंगे, तो ये बनेगी आपके पास जीरो बाय जीरो की फॉर्म, ठीक है। तो ये जीरो बाय जीरो की फॉर्म आपके पास बन गई। अब जिस लिमिट में ऐसी फॉर्म बने ऊपर न्यूमिनेटर भी जीरो हो जाए लिमिट अप्लाई करने पे और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाए, जीरो बाय जीरो की फॉर्म हो जाए, इसका मतलब लिमिट को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप उसको अल्जेब्रिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने अल्जेब्रिक टेक्निक कैसे यूज की, इसलिए यहां पर हमने अल्जेब्रिक टेक्निक कैसे यूज की वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखें न्यूमिनेटर में अगर आप देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन लिया अंदर आएगा एक्स क्यूर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब इस पे लिमिट अभी अप्लाई नहीं करनी, अभी आप फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, लिमिट वैसे की वैसे लिखी रहे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, ऊपर देखें एक्स क्यूर माइनस वन को लिख सकते हैं आप एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ए स्क्यर माइनस बी स्क्यर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ पे एक्स इंटू ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन कर दें डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, जवाब आएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन पुट करें, तो ये माइनस वन इंटू माइनस वन आ जाएगा, तो ये प्लस का टू आपका जवाब बनेगा आंसर आएगा। इस तरह इनको सॉल्व करें, यहां भी जीरो बाय जीरो की फॉर्म बनेगी, इसलिए यहां भी ऊपर एक्स कॉमन लिया, नीचे भी हमने क्या लिया एक्स कॉमन लिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सेवन में, अब यहां भी अगर आप देखें गौर करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है, तो स्क्वायर रूट अगर एक्स की जगह टू पुट करूं तो स्क्वायर रूट टू माइनस स्क्वायर रूट टू ये भी जीरो हो जाएगा न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर में देखें ये भी 2 माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन जाएगी। लिहाजा इसको भी हम अल्जेब्रिक टेक्निक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर है हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू है ना, अब मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे इसी टर्म से, सब बस साइन चेंज करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी, ऊपर भी प्लस ऊपर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाय नीचे भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू, ठीक है, रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, आप इलिमिनेट करने के लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू स्केयर रूट, अब देखें ये स्केयर रूट इसमें, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, देखें ये न्यूमरेटर्स को बेटा आप आपस में ना मल्टीप्लाई करें, स्केयर रूट एक्स माइनस टू स्केयर रूट टू और स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा, ए क्या है स्केयर रूट एक्स उसका स्केयर माइनस बी क्या है स्केयर रूट टू उसका स्केयर बन जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। नीचे देखें डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये ऊपर जब स्केयर होगा तो स्केयर स्केयर रूट को क्या कर देगा काट दे कैंसिल कर देगा, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स माइनस टू ऊपर, नीचे एक्स माइनस टू इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू, ठीक है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ऊपर देखें ये एक्स माइनस टू से कैंसिल और वन बाय एक्स स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू, अब यहाँ पर ये टू इस पर क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा, टू लिमिट अप्लाई कर दें तो ये बनेगा वन बाय स्केयर रूट टू, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू अप्लाई कर रहे हैं, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे देन आप लिमिट का साइन साथ नहीं लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर आप एक्स अप्रोच करें टू को तो आप एक्स की जगह टू पुट कर दें, तो ये बनेगा स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट टू विच इज इक्वल टू वन बाय टू स्केयर रूट टू, इस तरह इसको करना है आपने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पर इसने ना ये दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन एन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो इसकी एक्सपेंशन की हुई है उसने एक्स माइनस ए इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और आगे इस तरह पावर कम करते जा रहे हैं ए की पावर साथ बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा एंड में इस तरह की फॉर्म बन जाएगी आंसर। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, देखें आपके पास एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, मैं आपको इस स्लाइड पर लिए चलता हूँ जो भी फॉर्मूला स्टार्ट में आपको बताया है ना, ये इसमें फर्स्ट फॉर्मूला देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल होता है एन ए की एन माइनस वन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो सकता है इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए। अब उसके लिए देखें ना हमारे पास ऊपर भी x की पावर n माइनस ए की पावर n है लेकिन नीचे x माइनस ए नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे देखें ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह का लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे इस पे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे x माइनस ए से, x माइनस ए
फिर डिवाइडेड बाय, फिर लिमिट, क्योंकि कोशेंट रूल के मुताबिक दोनों पे अप्लाई होगी, कोशेंट रूल ऑफ लिमिट्स के मुताबिक। तो ये बनेगा दोनों, यानी कि न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी दोनों को अलग अलग आपने x माइनस ए से डिवाइड करना है उसी फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए। एक्स एम नीचे क्या है हमारे पास, एक्स एम माइनस ए की पावर m है, गौर करें ना ये वाला, तो एक्स एम माइनस ए की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब ये फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि इसके ऊपर पावर n है, ये वही फॉर्म बन गई फार्मूले की, तो ये बनेगा ऊपर हमारे पास एन ए की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एम ए की पावर एम माइनस वन। ठीक है, अब एन बाय एम वैसे का वैसे लिखे रहने दें, आप नेक्स्ट स्टेप में करें एन बाय एम, और ऊपर देखें ए है नीचे भी ए है, तो पावर को ऊपर ले जाएं एम माइनस वन को, तो एन माइनस वन हो जाएगा पावर, ये एम माइनस वन ऊपर जाएगी तो माइनस एम प्लस वन बन जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा प्लस वन माइनस वन से कैंसिल और आंसर आएगा एन माइनस एम ऊपर। तो ये जवाब बनेगा आपका कुछ इस तरह से, इक्वल्स टू एन बाय एम ए की पावर एन माइनस एम, ये आपका एन माइनस, ये आपका आंसर आ गया। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, टेक्निक को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना, लेंथ ही उसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद कोई क्यूरी हो तो इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।